इंडियन फैंस के लिए पैगाम, फैंस के लिए मेरा ये पैगाम है कि मौका 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 मौका, अब कब आएगा मौका तुम लोगों के लिए कि तुम लोग 10 विकेटों से हमें हराओगे। तो मेरा ख्याल से मैं दुआ करती हूँ कि उनके टीवी सब इंटैक्ट रहे, आज कोई टीवी ना टूटे। आप देखें कंप्लीट साइलेंस है उनकी तरफ से, कंप्लीट साइलेंस है उनकी तरफ से, हमको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। तो जनाब व्हाट अ विक्ट्री, कमाल हो गया, मजा आ गया। और द राइट पर्सन टू टॉक टू इज ज़ैनब अब्बास, बिकॉज अब मैं कहूंगा ज़ैनब से कि ज़ैनब आपने अब स्टेडियम नहीं जाना है मैच देखने, ठीक है। थ्रू आउट यू हैव बीन गोइंग टू वॉच एवरी सिंगल मैच ऑफ पाकिस्तान इंडिया, ठीक है। आई मीन वो उसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा जबरदस्त माहौल होता है, सब कुछ होता है, बट एज यू सेड कि मैं अभी स्टेडियम नहीं हूँ तो मुझे लग रहा है कि प्रेशर में नहीं आएगी टीम और पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। और अच्छा, इतने वैसे प्रेशर मैं, में वो नहीं आए सलमान, एक मेरा रिकॉर्ड बुरा नहीं है, मैं चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में थी वहां पे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि वर्ल्ड कप से मेरा रिकॉर्ड बहुत बुरा रहा है। मैंने जितने भी मैचेस पे काम किया है, रिपोर्टिंग की है, अभी ये जो 2019 में होता उसमें तो मैं वहां पे थी, आई वॉज ऑन द ग्राउंड एंड इट वॉज सो एम्बैरेसिंग। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दिया ना, ये पिछले 10 साल के गम सारे मिट गए हैं इस एक परफॉर्मेंस। सीरियसली सीरियसली सीरियसली, यानी 10 साल के गम 10 विकेटों से उन्होंने गलत कर दिया। ऐसे जीतना मतलब सारा आपका जो मुल्क है आज वो जश्न मना रहा है, और मनाना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ लड़के आज खेले हैं, मतलब कंप्लीट क्रेडिट उनको जाता है। क्या अप्रोच थी उनकी बॉलिंग में, फिर बैटिंग में, It was outstanding, समझ आ रहा था। यानी अच्छा, मुझे जो फीलिंग आई ना जैना, वो तो आ गई थी जब टॉस पाकिस्तान जीता, मैंने कहा समथिंग इज गुड गोना हैपन, ठीक है। और वही हुआ कि टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला, कुछ लोग कह रहे थे या नहीं गलत फैसला है, मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि बहुत अच्छा फैसला था। और आपको पता चल जाता है कि जी एक सेट स्कोर है, फिर आपको पता है ये दुबई की विकेट है, आप चेज इसमें जो है वो कर लेते हैं, तो फैसला अच्छा रहा। और सबसे बढ़कर के वो जो फैसला किया, उसमें जो प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट बड़े जबरदस्त अंदाज में किया। और यही बाबर आजम जो है उन्होंने कहा कि हमने अपने प्लान को अच्छा एग्जीक्यूट किया, जबकि कोहली कहते हैं हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके। देखिए ये जो एक दुबई की विकेट है ना, अगर आप इसकी पास्ट रिकॉर्ड देखें या अभी जितने मैचेस हो रहे थे, इट गेट्स बेटर सेकंड इनिंग्स में, बिकॉज वो एक ड्यू फैक्टर भी होता है, थोड़ा सा बॉल वेट भी हो जाता है, जिसकी वजह से स्पिनर्स के लिए इतनी आसानी नहीं है। आई ऑलवेज फील के वैसे तो पाकिस्तान चेजिंग में टू बी ऑनेस्ट अच्छा नहीं रहा इन द पास्ट, यू नो, अगर आप देखें तो दे जनरली ए टीम जो कि एक टारगेट सेट करती है और उसके बाद उनके पास बॉलर्स होते हैं टू डिफेंड। लेकिन आज का जो मैच था, आज की डिसीजन बिल्कुल ठीक थी, और ऑब्वियसली हम यही कहेंगे क्योंकि अब मैच जो है वो जीत गए, लेकिन आई ऑल्सो फील कि इसलिए ठीक थी बिकॉज पिच के हिसाब से और ड्यू फैक्टर के हिसाब से प्रॉब्लम होनी थी। अभी वार्म अप गेम में भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम आई थी आखिरी ओवर्स में बॉलिंग कराने में, डिफेंड करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, चाहे आप बैटिंग करो चाहे आप बॉलिंग करो, यू नीड टू एग्जीक्यूट योर प्लान इन द बेस्ट वे पॉसिबल। एंड वो जो एक पहला ओवर था, पहला स्पेल था शाहीन चाफी बॉलिंग का, दैट सेट द मैच फॉर पाकिस्तान। आई वाज इन द ट्रांसमिशन जिसमें हम और आप साथ बैठा बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा मैंने वो सलमान भट्ट से कहा, मैंने ऐसे ही बस, वो कहते हैं ना कि कबूलियत की घड़ी होती है, मैंने कहा सलमान अगर पहले ओवर की तीसरी या चौथी गेंद के ऊपर विकेट मिल जाए तो क्या बात हो, और वो शायद कबूलियत की घड़ी थी। जब यकीन जाने विकेट लिए ना शाहीन चाफरी ने, आई वॉज इन दी ऑफिस और मैं छलांग मार के एकदम मैं उछल गया कि ये क्या किया है शाहीन ने, और कमाल, नो डाउट अमेजिंग डिलीवरी। रोहित शर्मा समझ ही नहीं सके, एक लम्हे को नहीं समझ सके और LBW हो गए। हाँ, देखिए ये एक चीज हमेशा से हम डिस्कस कर रहे थे जब पूरा एनालिसिस हो रहा था कि जी सिचुएशन डिस्कस की जा रही थी कि क्या सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होगी, उसमें सबसे बड़ी जो सिचुएशन जो बेहतरीन होनी थी वो यही थी कि शाहीन इंडिया के टॉप ऑर्डर को आउट करे, बिकॉज वो ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। नीचे के प्लेयर्स उनके उस तरह से टेस्टेड नहीं थे, वो चल रहे थे KL राहुल रोहित शर्मा उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, या कोहली अगर हो गए तो इट वाज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि शुरू में इनको आउट करना है, क्योंकि एक दफा ये वो बैट्समैन है जो एक दफा सेट हो जाए, 4-5 ओवर में सेट हो जाए, उसके बाद वो फिर उनको बॉल इतना बड़ा नजर आता है एंड देन दे गो टिल द एंड। सो वो जो सबसे अच्छी बात थी ना वो ये थी कि शाहीन वेंट
फॉर विकेट. उसने बिल्कुल डिफेंसिव बॉलिंग नहीं कराई दुबई की पिच में जहां आपको कोई इतनी असिस्टेंस नहीं मिलती. ही वॉज एबल टू स्विंग द बॉल, ही वॉज एबल टू यू नो बोल एट अ फायरी पेस एंड ही वॉज एबल टू ब्रिंग इट बैक इन टू रोहित शर्मा जहां पे वो फंसते हैं. सो मेरा ख्याल से इट वॉज अ नियर परफेक्ट स्टार्ट एंड एक नियर परफेक्ट स्टार्ट था बैटिंग में. सो मेरा ख्याल से प्लान के मुताबिक सब कुछ गया. जो प्लान था कि शर्मा को कैसे बॉलिंग करानी है और उसको केएल राहुल को कैसे करानी है, अटैक करना है, डरना नहीं है, ये सारी चीजें आज हमें पाकिस्तान टीम की तरफ से नजर आई. हाँ, अच्छा डू यू थिंक कि अब तो चलो ठीक है मैच जीत गया, लेकिन जाहिर है वो पोस्ट मैच आप जब थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं उसमें डू यू थिंक कि जब एक तो टॉप ऑर्डर को आपने हिला दिया, शाहीन शाफरी ने परखचे उड़ा दिए उनके, और उसके बाद भी जाहिर है खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया. डू यू थिंक कि अगर थोड़ा सा वो कोहली को भी, क्योंकि कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ऑब्वियसली उसको संभालना एक मुश्किल काम है, और कोहली ने जाहिर है करके दिखाया 49 बॉल्स पर ही मेड 57 रन, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक छक्का और 5 बाउंड्रीज थी. तो कोहली ने जो है जाहिर है वो विकेट पे स्टे किया. डू यू थिंक कि हम और मजीद थोड़ा सा अगर हम टाइट रखते तो फिर ये 120 पे, 125 पे भी हम इनको बुक कर सकते थे? कर सकते थे सलमान, लेकिन देखिए एक साथ अगर आपके 5-6 बॉलर्स हैं उसमें से एक बॉलर का तो ऑफ डे हो सकता है. इट्स नॉट अ बिग थिंग बिकॉज अब हसन अली ने 2 विकेट ली, वो एक्सपेंसिव थे नो डाउट, लेकिन ये अब नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके 5-6 बॉलर्स हैं और 5-6 बॉलर्स के 5-6 बॉलर्स आपको 5 रन एंड ओवर कराएंगे या 6 रन एंड ओवर देंगे. ऐसे नहीं होता, वो भी खेलने आए हैं, वो अच्छी टीम है, वो मतलब उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, जहां पे वो हिट करना चाह रहे थे वो कर रहे थे. लेकिन मैं बार बार उसी चीज पे आऊंगी, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में इट इज ऑल अबाउट आपकी टोन कैसे सेट होती है. अगर आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब फखर जमान को वो बॉल मिली थी, वो मैच का उसी वक्त पल्ला जो था वो चेंज हो गया था, बिकॉज उसके बाद फखर ने इतना मारा और इतना स्कोर किया. उसने अगर आपको याद होगा अश्विन को टारगेट किया, जडेजा को टारगेट किया. तो मोमेंटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज बार बार कह रही हूँ, अगर ये 6 ओवर रुक जाते और ये टिक जाते पाकिस्तान की सिचुएशन डिफरेंट होती, बट बिकॉज वी बोल्ड सो वेल, यू नो वी बोल्ड इनक्रेडिबली वेल. लेकिन मुझे एक बात पे हैरत हो रही है बहुत ज्यादा कि चलो पाकिस्तान ने अच्छा खेला, एग्जीक्यूट किया, सब कुछ किया, पाकिस्तान जीत की तरफ जा रहा था. ऐसा क्या हो गया था आज इंडियन टीम को? इंडिया में तो आज लगता है कि सांप सूंघ गया होगा और वहां तो सन्नाटा होगा बिल्कुल, और सोग पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहां, तो टीवी तोड़े जा रहे हैं सड़कों पे जो है, वो लोग पुतले जलाएंगे अभी, पता नहीं क्या क्या करेंगे. ये हुआ क्या कि एक विकेट नहीं गिरा सके वो पाकिस्तान की, यानी इतना एक खतरनाक उनके लिए, जैसे कि उन्होंने खुद भी कहा था, आपको याद होगा मैच से टूर्नामेंट से पहले, कि जी बाबर आजम और रिजवान ये इंडिया के लिए जो है ना ये डेंजर साबित होंगे, और वही साबित हुए दोनों. देखिए इसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा बाबर और रिजवान को, बिकॉज उन्होंने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया. बिकॉज अगर आप उनकी इनिंग्स देखें, वो ये नहीं था कि वो आते साथ उन्होंने कहा कि जी चलो जी 6 छक्के मारो और इधर मारो और उधर मारो. उन्होंने कंडीशंस को समझा है, उनको समझ आ गई थी कि ये वो कंडीशंस हैं कि इफ यू टेक योर टाइम एंड गेट योर आई इन, आप बाद में स्कोर कर सकते हो. एंड में आपने देखा नहीं रिजवान कैसे चौके मारा था, बाबर आजम कैसे छक्के मारा था, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने शुरू में अपना सारी मेहनत कर ली थी, दे पुट इन द हार्ड यार्ड. और जब आपको बॉल देखना होता है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप गलती ना करो, वो टाइम उन्होंने गुजारा. एंड ये दोनों मास्टर्स हैं उस चीज के. अब पिछले एक साल से इनकी कॉम्बिनेशन इसीलिए चल रही है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे बीन एबल टू रोटेट द स्ट्राइक. डबल्स भागते हैं दोनों, बहुत अच्छे रनर्स बिटवीन द विकेट्स हैं इन्होंने. मैं ये कहूंगी कि दे अंडरस्टूड द सिचुएशन वेरी वेल. सो जब ये देखें प्रेशर इंडिया पे भी था, ये नहीं माननी है जो कहना कि इंडिया पे प्रेशर नहीं है क्योंकि वो 13 दफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं. बिल्कुल कोहली जब टॉस हारे हैं और उनसे बात की है तो वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना उससे ये लग रहा था कि परेशान है. जाहिर वही वाली आपकी बात कि प्रेशर है लेकिन उसको कैसे करना है, ये कह के जी कोई बात नहीं, टॉस तो क्या होता है, हमारा कंट्रोल थोड़ी है टॉस पे. मतलब ऐसे नहीं होता. आप कहें बताएं कि भाई हाँ भाई टॉस आ रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है टॉस, क्यों नहीं होता, शायद वो कुछ और फैसला करते अगर टॉस जीतते. जरूरी नहीं है कि वो बैटिंग ही करता इंडिया पहले. तो बात यह है कि ठीक है प्रेशर को जो है वो रिलीज करना. अच्छा अब मुझे ये बताएं
रमीज भाई ने ये कहा था कि जी अब हमारा जो है ना वो एक एनिमी नहीं है, यानी कि इस क्रिकेट के मैदान में अब दो होंगे, ठीक है, हमने सिर्फ इंडिया को नहीं हराना, हमने न्यूजीलैंड की भी ऐसी की तैसी कर दी है। व्हाट डू यू से कि जी अब पाकिस्तान कितने बड़े एक सीना चौड़ा करके जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगा कि जी इंडिया जैसी टीम को हम हरा चुके हैं और उस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जो पाकिस्तान से भाग गई थी। दिस इज गोइंग टू गिव पाकिस्तान एन इमेंस लेवल ऑफ बिलीफ। बिलीफ जो चीज होती है ना वो आपको चाहिए होती है जब आप इस तरह की कोई विन करते हो ना, जब अनएक्सपेक्टेड विन, अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस के देखिए सलमान जीत हार तो होती रहती है, बहुत से लोगों ने कहा पाकिस्तान जीत जाएगा, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि नहीं जीत जाएगा, इंशाल्लाह जीत जाएगा, इस तरह की बातें थी। ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि 10 विकेटों से जीतेगा, ये मैं आपको बता दूं, ये किसी ने प्रेडिक्शन नहीं की थी कि 10 विकेटों से जीतेगा। अब मतलब हमें कहते हुए भी जो है थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि ये वाकई हुआ है। अगले कोई मेरा ख्याल कुछ सालों में हम इसी मैच को हाईलाइट देखते हैं क्योंकि हमें खुद यकीन नहीं आ रहा। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है जब आप इतने हाई पे जाते हो ना तो आपका सेल्फ बिलीफ यहाँ से यहाँ जाता है एज अ स्पाइक। अच्छा खेलें बुरा खेलें ये चीज जरूर है कि हमारी टीम को ये जरूर पता होगा कि यार हमने उस मैच में कर लिया था, अगर उस मैच में कर सकते हैं उससे बड़ा मैच तो नहीं है ना, तो इसमें भी कर सकते हैं। अगर कहीं गलती भी करेंगे कहीं फिर वहां से भी वापस आ सकेंगे बिकॉज वी विल नो कि वी हैव डन इट बिफोर। सो आई थिंक कि न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होगा, हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए, कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इंडिया को हरा दिया अब यू नो खत्म होगी बात और नया दिन नया गेम समझ के जाए। एग्जैक्टली, यू हैव टू गो बैक टू योर बेसिक्स, स्टार्ट वेयर यू डिड, शाहीन हैज़ टू बोल इक्वली वेल क्योंकि बाकी जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो भी खेलने आए हैं और यू नो सब खुश हैं इस वक्त, बच्चे भी सारे खुश हैं। ओह यस, मेरी बेटी देखिए आप वो एक्साइटेड हो रही है कि जी बाबा आज इतने एक्साइटेड क्यों है, सब एक्साइटेड हैं। आई सी, शी कैन लिसन टू यू। अच्छा चले आप जरा हाथ दिला दे जरा ताकि खुश हो जाए जरा, ठीक है चले यार, थैंक यू, ओके लेट मी टॉक टू हर, आप जाए नीचे मैं आ रहा हूँ, थैंक यू, थैंक यू मेहरबान। अच्छा लास्ट बस ज़ैनब, इंडियन फैंस के लिए पैगाम, फैंस के लिए मेरा ये पैगाम है कि मौका 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 मौका, अब कब आएगा मौका तुम लोगों के लिए कि तुम लोग 10 विकेटों से हमें हराओगे। तो मेरा ख्याल से मैं दुआ करती हूँ कि उनके टीवी सब इंटैक्ट रहे, आज कोई टीवी ना टूटे। आप देखिए कंप्लीट साइलेंस है उनकी तरफ से, कंप्लीट साइलेंस है उनकी तरफ से, उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ। और मैं ये समझती हूँ कि उनकी साइड से कंप्लेसेंसी थी। अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स देखें वो कह रहे हैं कि जी इट्स जस्ट अनदर मैच, वो कह रहे हैं कि जी आई एम नॉट नर्वस, वी आर नॉट वरीड अबाउट संडे, यू नो जब इस तरह की अप्रोच रखते हो तो कहीं ना कहीं तो अगर दूसरी टीम सेंस करे वी वर मोर डिटर्मिंड, हम लोग आज ज्यादा डिटर्मेंट थे टू विन, वी वर वांटेड टू विन एट ऑल कॉस्ट। और ये नहीं कि हम डर के ये सोच रहे थे, हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आज सोच रहे थे कि यार आज हमने जो है ना अपनी 150% देना। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, किसी भी टीम को इजी लेना चाहिए। हरभजन सिंह जो कह रहे थे कि जी वॉक ओवर हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए बिकॉज एवरी टाइम यू मीट इट्स अ डिफरेंट कॉन्टेस्ट। इसीलिए मैं आपको पाकिस्तान के लिए भी खबरदार कर रही हूँ कि अगले मैच को हल्का ना लें क्योंकि एवरी टाइम यू मीट इट्स अ न्यू कॉन्टेस्ट, भूल जाए इंडिया के खिलाफ जीत के ठीक है, बट हमारा मकसद अब ये है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है और उस जीत के लिए दे विल हैव टू टेक ईच मैच एज इट कम्स। ये T20 बड़ी क्रूअल गेम है, T20 क्रूअल गेम इसलिए है क्योंकि दिन में जो अच्छा खेलता है वो ही जीतता है। That's true, इसमें बांग्लादेश भी जीत सकती है, श्रीलंका भी जीत सकती है, कोई भी जीत सकता है, ये 50 ओवर गेम नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान हैज टू स्टिक टू देयर बेसिक्स एंड एंड कीप टेक दिस कॉन्फिडेंस इनटू द नेक्स्ट वन। डेफिनेटली ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो मेरी बेटी का है। ओके ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि शायद अब पता नहीं अगले कितने साल तक भारत जो है वो यही सोचता रहेगा कि हम जो है वो 10 विकेटों से पाकिस्तान को हराए, आई मीन ये बहुत मुश्किल काम है। एनीवे थैंक्स अ लॉट ज़ैनब, अपना बहुत ख्याल रखिए, कोई पता नहीं फाइनल में फिर से मिल लें, कोई पता नहीं। चले थैंक यू ज़ैनब, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।